व्यंजन साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो उत्तपम, वड़ा, इडली और डोसा की याद आती है, और उन सब चीज़ों के साथ कॉमन चीज़ है नारियल की चटनी। तो आज हम बना रहे हैं नारियल की चटनी, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं कच्चा नारियल, दही, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च, नमक, छौंक के लिए करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और राई। सबसे पहले हम नारियल के पीछे का ये जो ब्राउन छिलका है उसको निकाल लेते हैं, जिससे हमारी चटनी का कलर एकदम सफ़ेद बना रहे। और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी देते हैं, क्योंकि हमें चटनी ग्राइंड करनी है। लगभग एक बाउल जितना नारियल हमने छील के छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है। ये शुरू करते हैं चटनी बनाना। पहले जरा सा 1 टेबलस्पून ऑयल डाला मैंने, और इसमें चना दाल, उड़द दाल, नारियल और हरी मिर्च, इसको धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, जिससे हमारा चटनी का टेस्ट और बढ़ जाए। इसको हल्का हल्का चला लेते हैं, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो हमारी चटनी का कलर चेंज हो जाएगा। बस इसको फ्राई करने से दालें कच्ची ना लगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। तो ये अब अच्छे से सिक गया है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको 10-15 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। नारियल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मिक्सी के जार में मैं इसको ले लेती हूँ। अब हम इसमें नमक 1 चम्मच और दही ऐड करके इसको स्मूथ चटनी की तरह ग्राइंड करेंगे मिक्सी में 1 मिनट चला के। ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए इसलिए मैंने उसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया था, जिससे चटनी एकदम अच्छी बने। चटनी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम इसमें छौंक लगाते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ और राई, राई क्रैक हो रही है, उसके साथ साथ थोड़ा सा चना दाल, थोड़ा सा उड़द दाल, अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसको डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा करी पत्ता और साबुत लाल मिर्च। अब हमारा छौंक भी रेडी है। मैं इसको चटनी के ऊपर गार्निशिंग कर देती हूँ। और इसको मिक्स कर देते हैं। तो तैयार है हमारी नारियल की चटनी। मैं इसे इडली के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो उत्तपम, डोसा और सांभर वड़ा किसी के साथ भी खा सकते हैं। लेट्स एंजॉय।